जैसा कि मैंने आपको मेजरमेंट बताया था 37 इंच इस सलवार की हमारी लेंथ है, तो इसमें 5 इंच माइनस करेंगे तो 32 इंच की हम सलवार की लेंथ कट करेंगे। और ये मैं हमारा फैब्रिक है, ये हमारा 2.25 मीटर है ये फैब्रिक, और 2.25 मीटर फैब्रिक में मैं आपको सलवार कट करने का एकदम ईजी तरीका बताऊँगी। ये हम डबल में पहले इस कपड़े को फोल्ड करेंगे, कपड़े को डबल में हम फोल्ड करेंगे और इसके बाद क्या करेंगे, इसको 4 फोल्ड करेंगे 4 तह में कपड़े को हम। ये देखिए आप बिल्कुल स्ट्रेट करके आप ये कपड़े को 4 फोल्ड में इसको फोल्ड करेंगे। बहुत ही इजी तरीका है, अगर आप बिगनर है तो 5 मिनट में आप सलवार कट करना सीख जाएंगे, ठीक है। और ये देखिए आपका 4 फोल्ड हो गया, देखो ये 1, 2, 3, 4 4 फोल्ड हो गया हमारा। और इसके बाद हमें क्या करना है कि ये जो हमारा मेजरमेंट है, देखिए मैं आपको मेजरमेंट में फिर से दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए हमारा मेजरमेंट है 37 में मैंने 5 इंच माइनस किया, 32 इंच मैं इसकी लेंथ रखूँगी। ओके 32 इंच मैं लेंथ रखूँगी, तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि जो हमने कपड़ा 4 फोल्ड किया 4 तह में, उसमें हम एक सीधा स्ट्रेट लाइन लगा लेंगे। स्ट्रेट लाइन लगाने के बाद हम क्या, स्ट्रेट लाइन लगाने के बाद हम क्या करेंगे कि ये जो हमारा आप देख रहे हैं कि यहाँ से हम इंची टेप हम यहाँ से सीधा पकड़ेंगे, और हमारा लेंथ आ रहा था 32 इंच। ये देखिए 32 इंच पे हम यहाँ पे एक मार्क कर लेंगे, ठीक है। और फुट्टे की मदद से आप इस लाइन को स्ट्रेट कर लेंगे एकदम बहुत ही ईजी तरीके से, आप बिल्कुल बना लेंगे, बिल्कुल समझ लीजिए। और हमारी बॉटम थी 14 इंच की, 14 इंच की हमारी इसमें बॉटम थी, तो ये हमारा हम डबल में इसको रखेंगे 7 इंच। ओके 7 इंच हमारा ये डबल में हो जाएगा, और हम 1.5 इंच का मार्जिन रखेंगे। ये देखिए 7 से हम 1.5 इंच का मार्जिन रखेंगे। ओके और इसके बाद यहाँ से हम थोड़ा सा तिरछे ऐसे लाइन कर लेंगे ऊपर तक, 1 इंच 1.5 इंच, ये हमारा फालतू में कट जाएगा। ये हमारा बॉटम हो गया, ये हमारा 1.5 इंच का मार्जिन हो गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे कि आप इसको कट करके निकाल लेंगे। ये देखिए बिल्कुल लाइन पे कट कर लेंगे, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, एकदम बिगनर लोग भी आप आसानी से सलवार कट कर सकते हैं। जो फालतू हमने कपड़ा था हमारा, ये कट कर लेंगे 1.5 इंच ऊपर, और ये जो हमने सीधा लाइन किया था इसको हम कट करके फालतू ये जो हमारा कपड़ा था इसको कट करके हटा लेंगे, ठीक है। और इसके बाद ये सेंटर में हम यहाँ पे सेंटर में हम कट कर देंगे, ये हमारा सेंटर है। और ये जो हमारा फोल्ड है ना, इसको भी हम कट कर लेंगे। ये देखिए दोनों पैरों के लिए 4 फोल्ड में था ना, तो दोनों पैरों के लिए हमारा हो गया, देखिए 1, 2, 3 और 4, ठीक है। ये हमारा बीच का कट गया, अब हमें कलियां कट करनी है, ठीक है। कलियां कट करनी है, बिल्कुल समझ गए, ठीक है। अब यहाँ से ये जो हमारा कट था ना, इसके बाद हम यहाँ से इसको इंची टेप से हम नाप लेंगे। ये देखिए यहाँ से आप ऊपर से रखेंगे, और ये देखिए इंची टेप यहाँ से नाप लेंगे, हमारा कितना आ रहा है 29 इंच, ठीक है। तो हम कलियाँ कट करेंगे, लेंथ कट, कलियों की लेंथ हमारी क्या होगी 29 इंच, मतलब 29 इंच। ओके फिर अब चलिए मैं कपड़ा आपको बिछा के बताती हूँ कलियाँ कट करने का तरीका। अब देखिए हमें कलियाँ कट करने के लिए हम क्या करेंगे, सीधे हम कपड़ा डबल में हम बिछा लेंगे, डबल फोल्ड करेंगे कपड़े को। ओके स्ट्रेट सीधी हम अपने टेबल के अकॉर्डिंग एकदम स्ट्रेट हम कपड़े को सीधी हम बिछा लेंगे। इसके बाद हमारा मैंने कलियां कट करनी है 29 इंच के, 29 इंच की कलियां हमें कट करनी है, तो यहाँ से हम सीधी 29 इंच पे हम यहाँ पे एक मार्क कर लेंगे, ठीक है स्ट्रेट। अब देखिए ये जो खुला साइड है ना, वो मेरी साइड है, मेरी तरफ है ये खुला साइड। और इसके बाद हमें आसन यहाँ से कट करेंगे, आसन हमारा 25 इंच का हमारा बेल्ट है, टोटल गोलाई है 50 इंच, तो इसमें आसन हम 10.5 इंच का कट करेंगे हिप का अकॉर्डिंग। ओके हिप का अकॉर्डिंग हम आसन कट करेंगे 10.5 इंच आसन हमारा हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, ये जो आसन पे हमने मार्क किया है ना, आसन से लेकर और ये जो हमारा लेंथ है ना, सीधे में लेंथ पे हम ऐसे तिरछे में इंची टेप रखेंगे, तिरछे में इंची टेप रखेंगे, इसके बाद धीरे धीरे इसको मार्क कर लेंगे। आप देखिए बहुत ही ईजी तरीका है, अगर आप एक बार समझ गए तो आप मिनटों में आप सलवार कट कर सकते हैं। ओके जो हमने ये मार्क किया है उस पर हम सीधी इसमें हमारी 2 कलियां निकल जाएगी। देखिए आप आराम से जो जहाँ जहाँ आपने
चौक से निशान लगाया है उसी पे आप कट कर देंगे आसन से, ठीक है। और इसके बाद हम क्या करेंगे कि इस कलियों को एक डबल में है, दो कली हमारे फोल्ड कट गई है, दो कली और हमें निकालनी है। इसके बाद हम क्या करेंगे कि ये जो कपड़ा है ना, ये जो ऐसे में हम इसको इसी पर रख लेंगे, डबल में ये भी कपड़ा है जैसे कट किया है, और ये जो हमारा बीच में दो कली और निकलेगी, हमें कैसे बिछाना है इसको देखिए आप। ये जो हमारी लेंथ है ना, इसको ऐसे करना है, ये देखिए यहाँ से लेके सीधे आप ऐसे बिछा देंगे मिलाते हुए, जैसे जैसे हमने कट किया है। बहुत ही आसान तरीका है, आप एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए। और ये देखिए बिल्कुल बिछा लेंगे जो कलियाँ हमने कट की है, ये आसन हो गया इधर का, ठीक है। और इसके बाद हम सीधे यहाँ से ऐसे कट करके निकाल लेंगे। ठीक है, और ये जो हमारा आसन में ये है ना, इसमें हम कट कर लेंगे। फोर कलियां हमारी निकल गई है, और अब इसमें हम जो हमारा फैब्रिक बचा हुआ है उसमें हम बेल्ट निकालेंगे। बेल्ट हमारा हिप था हमारा 40 इंच, उसमें मैंने 10 इंच प्लस किया था, हो गया था 15 इंच। 50 में हम 25 इंच का हम बेल्ट निकालेंगे डबल में, 25 इंच का। तो बेल्ट निकालने का एकदम इजी तरीका है, आपका जो किनारी वाला साइड है, ओपन वाला साइड अपने साइड रख लेंगे, टेबल पर अच्छे से बिछा लेंगे कपड़े को, यहाँ से आप इंची टेप रखेंगे, ये आधा इंच हमारा मार्जिन में सिलाई में चला जाएगा। और इसके बाद यहाँ से 25 इंच की हमारी तैयार आ जाएगी बेल्ट, तो 25.5 पे 25.5 इंच पे हम ये मार्क कर लेंगे। हमें बेल्ट की लेंथ रखनी है 8.5 इंच, 8.5 इंच आप रखेंगे बेल्ट की लेंथ। ये देखिए 8.5 इंच पे बेल्ट की लेंथ रख के ऐसे किनारी साइड आप एक फुट्टे की हेल्प से आप इस लाइन को स्ट्रेट कर लीजिए अगर आप बिगनर हैं, अगर आपको सीधी कैंची आपसे नहीं चलती है तो। और इसके बाद हम इसको कट करके निकाल लेंगे। ये देखिए बहुत ही आसान है, आप सीधे जैसे जैसे लाइन ड्रॉ किया है उस लाइन पे आप कट करके निकाल लीजिए। ये हमारी बेल्ट हो गई, 25 इंच की तैयार बेल्ट है, ओके। और इसके बाद 25 इंच की बेल्ट हमने इसलिए 9 इंच 8.5 पर, क्योंकि हमारा इतना चला जाएगा आपका नेफा बन जाएगा, इसमें नाड़े के लिए डालने के लिए नेफा बन जाएगा। और इसके बाद हमारी ये बेल्ट हमारा 6 इंच का तैयार हो जाएगा, 6 इंच का हमारा बेल्ट तैयार हो जाएगा। ये देखिए, ये देखिए यहाँ से इतना हमारा मार्जिन बेल्ट में चला जाएगा, इतना हमारा नेफा हो जाएगा, इसके बाद 6 इंच की हमारी बेल्ट तैयार हो जाएगी। तो हमारा टोटल जो सलवार की लेंथ है ना, 37 इंच हमारा टोटल सलवार का लेंथ आ जाएगा। वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आई होप आप समझ गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं।